हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जय और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डराने के लिए भूतों की बहुत ही ज़्यादा डरावनी और सच्ची कहानियाँ लेकर आया हूँ, जिन्हें सुनने के बाद आप सभी को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो कहानियों को पूरा एंड तक ज़रूर सुनिएगा दोस्तों। पहली कहानी हमें नैतिक महाजन जी ने भेजी है, तो आगे की कहानी मैं आपको नैतिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊँगा। मेरा नाम नैतिक महाजन है। मैं आज आपको जो बात बताने जा रहा हूँ, ये घटना आज से 10 साल पहले की है। उस समय मैं बस डिपो पर काम किया करता था। दरअसल मैं खुद एक बस ड्राइवर हूँ। बात कुछ ऐसी थी कि एक शाम में जब मैं बस वहाँ पर लाकर खड़ा किया, तो मैंने देखा कि जो उस बस का डिपो का वॉचमैन है, वो काफ़ी घबराया हुआ था। जब मैं उसके पास पहुँचा तो उसने बताया कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, इस प्रेत आत्मा ने मुझे परेशान कर लिया है, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, आप भी भाग जाओ साहब, वरना सारे मारे जाएंगे। उस वॉचमैन की बातें सुनकर मुझे लगा कि शायद आज इसने कुछ ज़्यादा ही पी रखी है, तो मैं वहाँ से चला गया। और फिर अगले दिन मुझे पता चला कि वो वॉचमैन वाकई नौकरी छोड़कर चला गया है। खैर, उसकी जगह एक दूसरा वॉचमैन भी आ गया था। इसके 2-3 दिन बाद एक रात मैं बस लेकर डिपो में आया, तो वहाँ बस खड़ी करने के बाद मैंने सोचा कि अगर मैं घर जाऊँगा तो फिर सुबह मुझे वापस आना होगा। तो मैंने सोचा कि आज रात मैं वहीं डिपो पर, जो बस ड्राइवर के लिए छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, वहीं सो जाता हूँ। और मैं एक कमरे की तरफ बढ़ने लगा, तभी पीछे से मुझे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे पलट कर देखा तो पाया कि एक जानवर हवा में बुरी तरह से झटपटाया जा रहा था। कोई अदृश्य चीज उस जानवर को बुरी तरह से नोच रही थी, और तभी मेरे देखते ही देखते वो जानवर बीच से फटकर चिथड़े चिथड़े हो गया। और ये देखकर मैं बहुत डर गया और अपने कमरे के अंदर चला गया और जाकर सो गया। फिर अगले दिन जब मैं बाहर निकला, तो मैंने देखा कि जो जानवर कल मैंने बेरहमी से जिस जानवर की मौत देखी थी, उसकी लाश के टुकड़े मेरी बस के पास पड़े हुए थे, और जो नया वॉचमैन है वो भी वहाँ पर था, और वो काफ़ी डरा हुआ लग रहा था, जैसे कुछ ऐसा है जो वो जानता हो। उस वक्त तो मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि मुझे तुरंत बस लेकर निकलना था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मुझे जब भी समय मिलेगा तो मैं इस वॉचमैन से ज़रूर मिलूँगा और पूरा मामला समझूँगा। फिर मैं अपनी बस लेकर वहाँ से निकल गया। फिर ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। मैं शाम में ही डिपो पर आ जाता और बस लगातार अपने घर चला जाता था, लेकिन उस रात फिर आने में मुझे लेट हो गया था। इस बार जब मैं डिपो पर आया तो वहाँ गहरी खामोशी पसरी हुई थी। मैं जब बस खड़ी करने के बाद कुछ दूर आगे बढ़ा, तो मैंने देखा कि वॉचमैन ज़मीन पर पड़ा था। मैंने जल्दी से जाकर उसे उठाने की कोशिश की, तो मैंने पाया कि वॉचमैन बेहोश हुआ पड़ा था। और फिर मैं उसे उठाकर कमरे के अंदर ले गया। कुछ देर बाद वॉचमैन को होश आया, तो वो रोने लगा। उसे रोता हुआ देखकर मुझे पहले वॉचमैन की याद आ गई, वो भी बेहद डरा हुआ था, और उसने मुझे सचेत भी किया था कि यहाँ से दूर चले जाओ, वरना सारे मारे जाएंगे। खैर, इस बात को किनारे करते हुए मैंने उस नए वॉचमैन से कहा कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तो उस वॉचमैन ने बताया कि दरअसल इस बस डिपो में एक बहुत ही भयानक प्रेत आत्मा भटक रही है, जो कि एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार रही है, और वो प्रेत आत्मा किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी, और आज मैं इसके हमले से मरते मरते बचा हूँ। तब मैंने उस वॉचमैन से कहा कि आखिर ये प्रेत आत्मा यहाँ लोगों की जान के पीछे क्यों पड़ी हुई है। तब उस वॉचमैन ने बताया कि तकरीबन 2 साल पहले एक लड़की इसी बस डिपो पर रात के वक्त गलती से रास्ता भटक कर आ गई थी। तब उस अकेली लड़की को रात के अंधेरे में पाकर कुछ बस ड्राइवर और वॉचमैन ने अपनी हवस का शिकार बनाया, फिर उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया, और फिर ये बात आई गई हो गई। लेकिन फिर कुछ महीने बाद एक एक करके
उस लड़की की हत्या करने वाले सभी हत्यारों की भी बेरहमी से मौत हो गई। उन सबको मौत के घाट उतारने के बाद भी उस लड़की के प्रेत का क्रोध शांत नहीं हुआ और उसने बेकसूर लोगों को भी अपना शिकार बनाना चालू कर दिया है। अब मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा। इतना कहकर वॉचमैन मेरे कमरे से बाहर चला गया। वो उसी वक्त वो नौकरी छोड़कर जा रहा था। उसकी हालत देखकर मैंने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की और कमरे का दरवाज़ा बंद करके मैं भी सो गया। फिर अगले दिन सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो बाहर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो रखी थी। ये देखकर मैं थोड़ा घबरा गया। मैं भीड़ में से ही निकलकर आगे गया तो मैंने देखा कि उस वॉचमैन की लाश ज़मीन पर बहुत ही विभस्त हालत में पड़ी हुई थी। और तो और उस वॉचमैन की लाश तो थी मगर उस वॉचमैन का सर उसके धड़ पर नहीं था। उसका कटा हुआ सर वहाँ आसपास कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मगर उसकी लाश की ऐसी दुर्दशा देखकर मुझे उल्टी सी आने लगी थी, जैसे किसी फल पर चाकू मारते ही चले जाओ तो वो भरता सा हो जाता है ना, वैसा ही हाल उस वॉचमैन की लाश का हुआ था। मैं तुरंत वहाँ से भागा और कमरे में जाकर अपना सारा सामान समेटा और बिना किसी को कुछ बताए मैं सीधा अपने घर चला गया। फिर पूरे एक महीने तक मैं काम पर नहीं गया और फिर मैंने वो नौकरी छोड़ दी, या यूं कहूं कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। और फिर कुछ महीने बाद पता चला कि आए दिन उस बस डिपो पर हो रही रहस्यमय मौतों के कारण उस बस डिपो को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है और उसे हॉन्टेड बस डिपो का नाम देकर रात में वहाँ पर प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। ये सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हुई कि अब बेकसूर लोगों की जानें नहीं जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम अभिषेक पल्लव है। मैं आज आपको जो बात बताने जा रहा हूँ ये घटना आज से 4 साल पहले की है। तब मैं आउट ऑफ इंडिया रहा करता था और एक दिन मेरे पास मेरे घर से फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि फूफा जी की तबीयत बहुत ख़राब है। तो मैंने मामले की गंभीरता को समझते हुए कहा कि ठीक है, मैं ऑफिस में बात करके कुछ ही दिनों में घर आ जाऊंगा। फिर इतना कहकर मैं ऑफिस चला गया और फिर इसके 2 दिन बाद मेरे पास घर से कॉल आया कि फूफा जी की डेथ हो गई है। डेथ के बारे में सुनकर मैं समझ गया कि अभी तो तुरंत यहाँ से वापस इंडिया जाना होगा। तो मैंने फौरन टिकट्स वगैरह ली और अपने घर के लिए निकल पड़ा। फिर भी मुझे घर पहुँचने में 3 से 4 दिन का समय लग गया और जब मैं घर पहुँचा तो सबसे पहले मैं अपने घर वालों से मिला। तब तक फूफा जी का अंतिम संस्कार वगैरह हो चुका था और फिर आधे एक घंटे घर पर आराम करने के बाद मैं फूफा के घर के लिए निकल पड़ा। जब मैं फूफा के घर पर पहुंचा तो उनके घर वालों में मायूसी के साथ साथ एक डर मैंने महसूस किया। वो सब किसी बात से डरे हुए थे। मैंने पूछा कि फूफा को क्या हुआ था, आखिर अचानक से ये सब कैसे हो गया। तब उन लोगों ने बताया कि दरअसल आज से 2 हफ्ते पहले हम सभी और तुम्हारे फूफा एक फंक्शन से देर रात घर लौट रहे थे। कार तुम्हारे फूफा ड्राइव कर रहे थे। लौटते हुए सुनसान रास्ते के बीच अचानक से एक बूढ़ा आदमी हमारी कार के बीच में आ गया, जिस वजह से फूफा कार को कंट्रोल नहीं कर पाए और कार उस आदमी से जाकर टकरा गई। ये सुनकर मैंने कहा कि टकरा गई या फिर कार ने उस आदमी को कुचल दिया होगा। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, कार उस आदमी से जाकर ऐसी भिड़ी जैसे किसी सख्त पेड़ से भिड़ गई हो और उस आदमी को कुछ भी नहीं हुआ। और फिर इसके बाद उस आदमी ने गुस्से से फूफा जी की तरफ देखा, जिससे फूफा को पता नहीं क्या हुआ कि वो जोर से चीखने लगे और तभी वो आदमी रास्ते से गायब हो गया। वो हमारी आंखों के ठीक सामने गायब हुआ था। ये देखकर हम भी सिहर उठे और फौरन हमने फूफा जी को संभालने की कोशिश की मगर वो कंपकंपाए जा रहे थे, उन्हें जरा भी होश ही नहीं था। फिर हम लोगों ने फूफा को दूसरी सीट पर बैठाया और फिर बड़े चाचा ने कार ड्राइव की और हम सभी घर आए।
उसके बाद से लगातार फूफा की तबीयत बिगड़ती चली गई। जब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो डॉक्टर भी उन्हें क्या बीमारी है इसका पता नहीं लगा पाए। फिर बाहर के डॉक्टर्स को भी बुलाया गया मगर वो सब भी हार मान गए। आखिर में दर्द और पीड़ा से जूझ रहे फूफा जी सभी को अकेला छोड़कर चले गए। दोस्तों, ये बातें सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मुझे फूफा के साथ बिताए मेरे बचपन के दिन याद आ गए। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था और वो मुझे बहुत प्यार भी करते थे। खैर, फिर कुछ देर वहीं रहने के बाद मैं वापस अपने घर आ गया और फिर घर आकर भी मुझे बार बार ये बात परेशान कर रही थी कि आखिर फूफा को प्रॉब्लम क्या थी, किस वजह से उनकी इतनी दर्दनाक मौत हुई। बार बार मेरा ध्यान उन लोगों के बताए उस बूढ़े आदमी की तरफ जा रहा था जिसका जिक्र फूफा के घर वालों ने किया था, जिस बूढ़े आदमी से कार की टक्कर के बाद से ही फूफा की तबीयत खराब हुई थी। तो क्या इस सब के पीछे वही आदमी था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं बड़े चाचा के पास जाता हूँ और उनसे सारी बात पता करूँगा कि आखिर वो आदमी दिखता कैसा था। मुझे लगा कि शायद कुछ ऐसा हो जो और कोई ना जानता हो। ये सोचकर मैं बड़े चाचा के पास चला गया। फिर कुछ देर बड़े चाचा के पास बैठकर अपने बारे में और उनके बारे में बात करने के बाद मैंने उनसे कहा कि बड़े चाचा, वो आदमी कौन था जो फूफा की कार के सामने आ गया था? तो बड़े चाचा ने कहा कि वो आदमी वहाँ अचानक आया था और मैंने एक बात नोटिस की थी कि उस आदमी के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और उसकी आंखें लाल सुरख थी। फिर बाद में भी वो हम सब की आंखों के सामने हवा में ओझल हो गया था। ऐसा कोई साधारण आदमी कर ही नहीं सकता था। वो जरूर कोई बुरी आत्मा थी और उसकी चपेट में आने से ही फूफा की मौत हुई है। मैंने ये सारी बातें सुनने के बाद कहा कि वाकई ये बहुत ही भयानक घटना पेश आई है। तभी बड़े चाचा ने कहा कि उस रात जब मैंने कार ड्राइव करना शुरू किया था तो मुझे रास्ते में कई बार वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया था। वो मुझे बड़े ही गुस्से के साथ घूरे जा रहा था, मानो मेरा कार को ड्राइव करना उसे पसंद ना आया हो या फिर कोई और बात हो। फिर इतना ही नहीं, उस रात के बाद हर रात मुझे अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। ना जाने अब वो बुरी आत्मा मेरे साथ क्या करने वाली है। ये सुनकर मैं और घबरा गया। बड़े चाचा के चेहरे में डर और घबराहट मुझे साफ दिखाई दे रही थी। फिर मैं बड़े चाचा से मैंने कहा कि आप किसी पंडित या फिर किसी मांत्रिक से मिले? तो बड़े चाचा ने बताया कि उस रात के बाद से मेरा शरीर इतना कमज़ोर हो गया है कि मुझे घर से बाहर निकलने में भी सांस भर आती है। फिर मैंने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं जाकर किसी पंडित या फिर मांत्रिक से मिलता हूँ, आप बस आराम करिए। इतना कहकर मैं बड़े चाचा के घर से बाहर निकला और फिर मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया। कॉल करके मैंने उसे बुला लिया। मेरा वो दोस्त वहाँ के अच्छे पंडित और झाड़ फूक करने वालों के संपर्क में था। फिर उसके साथ ही मैं एक पंडित जी के पास पहुँचा। उस वक्त पंडित जी पूजा कर रहे थे तो हम दोनों मंदिर के बाहर ही उनका इंतज़ार करने लगे। जब पंडित जी बाहर आए तब वो हमारे पास बैठे और फिर हमने उन्हें सारी बातें विस्तार से बताई। हमारी बातें सुनकर पंडित जी ने कहा कि वो एक बहुत ही शक्तिशाली खबीस है, उसी ने तुम्हारे फूफा के शरीर पर कब्जा करके धीरे धीरे करके उनके शरीर के दिल, गुर्दे और मांसपेशियों को खा गया है और ये इतना कष्टकारी था कि शब्दों में बयान ही किया जा सकता। अब अगर वक्त रहते तुमने अपने चाचा को नहीं बचाया तो ये उनका भी यही हाल करेगा। आज रात ही वो पूर्ण रूप से उनके शरीर पर कब्जा कर लेगा, फिर तुम्हारे बड़े चाचा को भी किसी बात का होश नहीं रहेगा, ना वो कुछ बता सकेंगे और ना ही किसी डॉक्टर के पास उनका इलाज होगा। इतना कहने के बाद पंडित जी ने कहा कि अगर हमें उस खबीस से तुम्हारे चाचा को बचाना है
तो हमें पूरी तैयारी के साथ आना होगा, वरना वो हम में से किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर मैंने पंडित जी से कहा कि अब आप ही कोई रास्ता बताइए, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। फिर पंडित जी ने कहा कि देखो, आज मैं दूर दूर तक फैले और कुछ सिद्ध महात्माओं को अपने साथ लेकर आऊँगा, लेकिन इसी बीच वो खबीज तुम्हारे चाचा के शरीर पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लेगा। तो इससे पहले कि वो खबीज उनके शरीर पर पूर्ण रूप से कब्जा कर ले, तुम लोग जाकर फौरन उन्हें उन्हीं के घर पर किसी कमरे के अंदर बंद कर दो, ताकि जब वो खबीज उनके शरीर पर हावी हो तो वो घर से बाहर ना जा सकें। दोस्तों, ये सुनकर हम दोनों फौरन चाचा के घर की तरफ निकल पड़े। फिर जब हम बड़े चाचा के घर पर पहुँचे तो अब तक चाचा की तबीयत बिगड़ने लगी थी, वो ज़मीन पर पड़े हुए थे। मैंने फौरन उन्हें उठाकर कमरे के अंदर लिटाया और फिर हमने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया, और कोई भूल से भी दरवाज़ा न खोल दे इसीलिए हमने दरवाजे पर ताला लगा दिया। फिर मैंने बड़े चाचा के घर पर मौजूद सभी लोगों को सारी बात बताई और सभी को सचेत रहने के लिए कहा। फूफा की मौत देखने के बाद सभी ने फौरन मेरा साथ दिया, क्योंकि सभी को पता था कि इसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसी रात कमरे से बड़े चाचा की जोर जोर से चीखने की आवाज़ें आने लगी। मैंने सबसे कह दिया, चाहे जो भी हो, चाहे वो कितना ही चीखे, दरवाज़ा मत खोलना। हम सभी लोग घर के बाहर बैठे हुए थे, तभी पंडित जी दो तीन महंत के साथ वहाँ आ गए, और फिर पंडित जी ने कहा कि तुम्हें अपने चाचा को मंदिर के अंदर लाना होगा। ये सुनकर मैंने कहा कि लेकिन पंडित जी, बड़े चाचा मंदिर तक आराम से आ जाएंगे? तो पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा कि नहीं, ये आसानी से तो नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोगों को कैसे भी करके इन्हें मंदिर तक लाना ही होगा। इनके ऊपर हावी उस शक्तिशाली खबीज को मंदिर की दिव्य ऊर्जा के बीच ही समाप्त किया जा सकता है। इतना कहने के बाद पंडित जी ने कहा कि चिंता मत करो, हम सब भी इसीलिए तुम्हारी मदद करने आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो खबीज बिना हमारी मदद के तुम्हारे काबू में रहकर मंदिर तक नहीं आएगा। फिर इतना कहकर पंडित जी ने उस कमरे की तरफ चलने के लिए कहा जहाँ बड़े चाचा बंद किए गए थे। इधर मैंने मेरे दोस्त से कहा कि वो फूफा के घर से कार ले आए, बड़े चाचा को उसी कार में लिटाकर ले जाया जाएगा। फिर मैंने बड़े चाचा के कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर बड़े चाचा का शरीर हवा में लटका हुआ था, और हमें देखते ही वो जोर जोर से हंसने लगे। ये देखकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। तभी पंडित जी ने अपने झोले से एक लाल पाउडर बाहर निकाला और कुछ मंत्र बोलते हुए उसे जोर से बड़े चाचा के ऊपर फेंक दिया, और तभी बड़े चाचा जोर से चीख पड़े और उनका शरीर ज़मीन पर आकर गिरा और उनके शरीर से धुआं निकलने लगा, जिस पर ऐसा लगा कि वो पाउडर जैसे चाचा के शरीर पर नहीं बल्कि जलती हुई आग पर फेंका गया हो। फिर सभी लोगों ने चाचा को पकड़ लिया और उन्हें कार के अंदर डाला गया। फिर तुरंत कार को मंदिर की तरफ भगा दिया गया। पंडित जी, मैं और बाकी कुछ लोग कार में थे और कुछ लोग बाइक से कार के पीछे आ रहे थे। तभी कार में चाचा ने गुस्से से कहा कि मुझे इसी वक्त घर वापस ले चलो, और इतना कहते ही चाचा जोर जोर से एक ही बात कहने लगे कि मुझे इसी वक्त घर वापस ले चलो, मगर पंडित जी ने बस उन्हें कसकर पकड़ रखने के लिए कहा। फिर चाचा ने कहा कि पंडित, मेरे रास्ते में मत आओ, वरना तुझे इन सबसे भी ज़्यादा भयानक मौत मैं दूंगा। और इतना कहते ही चाचा ने पंडित जी के ऊपर हमला कर दिया। ये देखकर सभी ने जल्दी से चाचा को खींचकर नीचे लिटा दिया, और पंडित जी ने वापस वही पाउडर चाचा के ऊपर डाल दिया, और फिर इसके बाद चाचा के शरीर से धुआं निकलने लगा और वो थोड़ा काबू में आ गए, और तब तक हमारी गाड़ी मंदिर के सामने पहुँच गई। फिर चाचा को कार से बाहर निकाला गया और हम सभी मंदिर के अंदर उन्हें ले जाने लगे। इस बीच चाचा ने ऐसा तांडव किया
कि उन्हें संभालना किसी के बस का नहीं था। बस पंडित जी के दिव्य मंत्रों की ताकत की वजह से चाचा को हम काबू में कर पा रहे थे। फिर चाचा को मंदिर के अंदर ले जाया गया और वहां जाते ही मानो चाचा का शरीर जलने लगा। पंडित जी के साथ उन सभी महंतों ने चाचा को लाल धागे से लपेट दिया और फिर पंडित जी ने कहा कि अब तुम सभी मंदिर से बाहर चले जाओ। अब जिन क्रियाओं का इस खबीस के ऊपर प्रयोग किया जाएगा उसे गुप्त रखा जाता है। फिर चाचा को वहीं छोड़कर हम सभी मंदिर से बाहर आ गए और पंडित जी ने मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर कुछ देर में मंदिर से चाचा की ऐसी भयानक चीखें बाहर सुनाई देने लगी जिसे सुनकर सभी का कलेजा दहल गया। और फिर करीब 2 घंटे बाद पंडित जी ने मंदिर का दरवाज़ा खोला और हमें अंदर बुलाया। अंदर जाकर हमने देखा कि चाचा जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे। पंडित जी ने कहा कि कुछ देर बाद इन्हें होश आ जाएगा, बस अब चिंता की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे करके ये स्वस्थ भी हो जाएंगे। और उस खबीस को जलाकर नष्ट कर दिया गया है, अब इनके साथ साथ तुम सब भी सुरक्षित हो। फिर इसके बाद दोस्तों मैं चाचा को लेकर घर वापस पहुंचा। फिर कुछ देर बाद चाचा को होश भी आ गया और वो पहले के जैसे नॉर्मल थे। सभी लोग चाचा को स्वस्थ देखकर खुश भी थे, तो सभी को पछतावा भी था कि अगर फूफा को वक्त रहते इन्हीं पंडित जी के पास ले गए होते तो शायद आज फूफा भी जिंदा होते और स्वस्थ होते। खैर इसके बाद दोस्तों मैं भी वापस इंडिया से बाहर चला गया और फिर हम सभी की ज़िंदगी खुशहाली से भर गई। तो दोस्तों ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानियाँ, मुझे उम्मीद है आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। चैनल पर अगर आप सभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कुछ और बहुत ही डरावनी कहानियों के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।